All right, very good evening to all of you. Hi, Nafisa. Good evening, Nafisa. All right, then Minal Mahajan. Hi, hi, Nivedita. Hi, Shruti. Yes, Shruti, I just saw your message. Your doubt. Elementary canal of cockroach is complete. Yes, Dr. Nikhil. Once again, good evening, Anam, Priyanshi. So, बहुत दिन हो गए हैं कॉकरोच पढ़ते जा रहे हैं. दिस इज द फोर्थ एंड द फाइनल लेक्चर ऑन कॉकरोच. आई होप यू गाइज आर इंजॉइंग इट एज मच एज आई एम. ऑल राइट, जल्दी से. यस, हाय टिबिया. ऑल राइट, जल्दी से शेयर कर लीजिए इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं. जस्ट शेयर इट क्विकली एंड लेट्स वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन इन. सो टुडे इज गोइंग टू बी द फाइनल लेक्चर ऑन कॉकरोच. बहुत पढ़ लिया हमने कॉकरोच के बारे, बहुत बहुत बहुत. ठीक है, अगर किसी का कोई भी लेक्चर मिस हो गया है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में से पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. और आने वाले लेक्चर्स आपके मिस ना हो तो यू नो द ट्रिक, यू हैव टू हिट द बेल आइकन. ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू फॉलो द नॉर्म एंड वी विल बी ब्रिंगिंग सो मेनी वंडरफुल टॉपिक्स फॉर यू. हाय हरीश, इफ़ात, दिव्यांशी, प्रत्यूष, अनामिका, सागर, अनामिका, प्रत्यूष, ओके, सचिन. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल. आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था. हाँ जी, तो सी, बिफोर आई स्टार्ट आई विल टेल यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव लॉन्च्ड एन एक्टिवेटर सीरीज ऑन अ गो प्रेप ऐप. ठीक है, तो ऐप पे भी हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं. एंड वी हैव द स्पेशल सीरीज फॉर 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, जिस जेई एज वेल एज नीट. एंड इस सीरीज में हम हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट के दो दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे. एंड इट विल गो ऑन फॉर 1 month. ठीक है, फ्री सीरीज है, सो प्लीज यूज इट, वॉच इट एंड लेट अस नो हाउ डू यू लाइक इट. एंड आफ्टर एवरी क्लास देर विल बी एन इंटरैक्टिव क्विज फॉर चेकिंग योर प्रोग्रेस. ठीक है जी, सो जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे, वंस अगेन आई विल अनाउंस अनाउंस द एक्टिवेटर सीरीज. ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, सो जिन्होंने पिछले 2-3 लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, प्लीज कल से मिस मत कीजिए. ऑलरेडी द शो हैज़ बिगन एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत डिटेल में हमारे सारे टीचर्स आपको ये 2 लेक्चर्स, 2 चैप्टर्स करवाएंगे. हाय अनुराग, आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू? हाय निवेदिता, श्रुस्ती, गुड इवनिंग. गाइज, अगर किसी का नाम गलती से भी रह जाता है, हाय प्रीति, हाय प्रीति, मीना भी स्टार्टिंग में थी, आई जस्ट रेड हर नेम. सो यस, किसी का भी नाम रह जाता है, डू नॉट टेक ऑफेंस. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है मेरे को, सो इन केस आई मिस ऑन इट. ऑल राइट, हाय अनामिका, कौन सा टॉपिक है कल का? कौन सा टॉपिक है? यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट कल का टॉपिक. ठीक है, फिलहाल आज हम करेंगे फाइनल डिस्कशन ऑन कॉकरोच. और देखो, इस कॉकरोच में हम कितना कुछ कर चुके हैं इन द प्रीवियस 3 लेक्चर्स. क्लासिफिकेशन डिस्कस हुई, जनरल फीचर्स, बॉडी सेगमेंट्स, जनरल मोर्फोलॉजी. सो यू कैन गेट दीज पीडीएफ्स. ठीक है, जिनका पिछला रह गया है, दे कैन गेट दीज पीडीएफ्स. स्केलेटन है, हेड रीजन स्टडी किया, एंटीना, कंपाउंड आई, माउथ पार्ट्स डिटेल में डिस्कस किए, कॉकरोच डिस्कस किया. हाय जगदीश, हाय तनीषा, शिवम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. यस एंड ब्रोज, व्हाट्स योर डाउट? गुड इवनिंग अफरान. यस, आई एम डूइंग वेरी फाइन एंड होप, आई होप द सेम फॉर यू. विंग्स की डिस्कशन की, कौन से विंग्स फ्लाइट में यूज होते हैं? मेटाथोरेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इरफान, अर्थ वर्म इज नॉट अ नीट. ठीक है, लेग्स की डिस्कशन की है, एब्डोमिन, एनल सर्काई, एनल स्टाइल्स. एनाटमी में कल हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम. किसी का क्वेश्चन था अभी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है या नहीं, तो देखो हमने क्लास में बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ मेंशन की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज कंप्लीट. सो इफ यू अटेंड दीज लेक्चर्स रेगुलरली एंड विदाउट मिसिंग ऑन टू एनी थिंग, आई थिंक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो दीज लेक्चर्स हैव बीन वेरी वेरी आई मीन दे हैव बीन प्लान्ड वेरी वेल, मेकिंग श्योर कि आपका कोई भी पॉइंट, आपका कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाता है. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड एलिमेंट्री कैनाल इन लॉट ऑफ डिटेल. डू वी कीप एनी मॉक टेस्ट? यस मिस्टर अफान, डेफिनेटली मॉक टेस्ट होंगे, बिल्कुल होंगे.
एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिस्कशन कर ली थी हमने, कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्टेड रहता है और एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अलावा कैसे एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है, ये भी हमने देखा. ठीक है जी. यस डॉक्टर निखिल, वी विल कंडक्ट. ओके, यू वॉन्ट अ मेगा मिंटी क्विज ऑन कॉकरोच? एब्सोल्यूटली, योर सजेशन हैव बीन नोटेड डाउन. ठीक है, और बहुत जल्दी हम लेके आएंगे आपके पास मिंटी क्विज ऑन कॉकरोच. ठीक है जी. चलिए, तो कल हमने स्टार्ट किया था, लास्ट जो टॉपिक हमारा था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम को, आज हम कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा रह गया था. सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप, नो कैपिलरीज. तो जितनी खाली स्पेसेस मिलती हैं वो सारी खाली स्पेसेस में कॉकरोच का ब्लड भरा होता है, एंड दैट ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ. राइट, क्योंकि ये कलरलेस है तो इसको लिम्फ वर्ड यूज किया गया. हीम वर्ड इज ब्लड, सो इट हैज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. कल हमने ये भी पढ़ लिया था, जैसे कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसके ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता. बट वन थिंग इज कॉमन कि ब्लड के अंदर सेल्स होंगे, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा. तो प्लाज्मा बिल्कुल है और ब्लड सेल्स भी हैं, लेकिन हमारे जितने ब्लड सेल्स नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक तरह के सेल्स हैं. वी कॉल देम हीमोसाइट्स. हीम वर्ड इज ऑलवेज फॉर ब्लड. हाई इंडियन भाई, हाय अपूर्वा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग दिव्यांशी, ऑलराइट. पम्मी यादव, हेलो. आई थिंक यू आर न्यू टू द क्लास पम्मी, इजंट इट? हाय अनामिका, सुष्मिता, ऑलराइट. डू नॉट हैव, यस डॉक्टर निखिल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट डजंट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ऑलराइट गाइस, लेट्स कंटिन्यू. एंड तो ब्लड सेल्स आर नोन एज हीमोसाइट्स और प्रोल्यूकोसाइट्स. ठीक है, ये जो प्रोल्यूकोसाइट्स हैं, प्रोल्यूकोसाइट्स इसलिए बोला गया बिकॉज दे आर प्रिमिटिव WBCs, और ल्यूकोसाइट्स की तरह ये भी फेगोसिटिक इन नेचर होते हैं. सो डू रिमेम्बर कि WBCs की तरह ये भी फेगोसिटिक इन नेचर हैं. हार्ट की बात की थी हमने, सो सी वी हैव ड्रॉन दिस हार्ट, दिस इज अ लिटरल व्यू ऑफ कॉकरोच की बॉडी. तो ये जो ऊपर की साइड पे हमने ड्रॉ किया है, दिस इज द डॉर्सल ट्यूबुलर 13 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, डॉर्सल साइड पे. नॉन कॉर्डेट्स के अंदर अगर हार्ट होगा तो दैट विल ऑलवेज ऑलवेज बी ऑन द डॉर्सल साइड. बिल्कुल मोहित, आपको PDF मिलेगा. ठीक है, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द PDF टुडे ऑफ द कंप्लीट टॉपिक ऑफ कॉकरोच. अगर पिछले लेक्चर्स रह भी गए हैं तो यहाँ पे आपको पूरा आपको PDF मिल जाएगा. बट बेटर है कि आप PDF के साथ साथ पुराने लेक्चर्स भी एक बार जरूर देखें. ठीक है, कुछ चीजें जो हम सिर्फ डिस्कशन में डिस्कस कर लेते हैं. हाय दिशा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल ऑफ. मैम प्लीज यूज अ वाइट स्क्रीन. ऑल राइट, नेक्स्ट टाइम ऑन वी कैन थिंक ऑफ वाइट स्क्रीन. चलिए, लेट्स कंटिन्यू. यस, इट हैज डॉर्सल ट्यूबुलर एंड 13 चेम्बर्ड हार्ट. गुड इवनिंग सोमनाथ. थैंक यू हरीश, थैंक यू सो मच. आई होप कि आपने पिछली क्लासेस भी अटेंड की होंगी. ऑल राइट, चलिए सो देखते हैं. सो दिस इज द हार्ट. ठीक है, हार्ट के और फीचर्स क्या थे? अदर देन बींग 13 चेम्बर्ड एंड ड्यूबुलर एंड डॉर्सल, इट इज न्यूरोजेनिक. ये पॉइंट आज हमने डिस्कस करना है. न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब है कि हार्ट की इम्पल्स खुद हार्ट जनरेट नहीं करता. हार्ट की इम्पल्स जनरेट होती है हार्ट से बाहर प्रेजेंट नर्व गैंग्लिया में. गाइस, जैसे हमारा हार्ट मायोजेनिक है. ऑल राइट, आई विल बी बैक हियर. सो हमारा हार्ट है मायोजेनिक, यानी हमारे हार्ट की जो इम्पल्स है, जो बीट है, वो हार्ट के अंदर जनरेट होती है. एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द सैन साइनो ऑरिकुलर नोड, है ना, जो राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर. तो वहां पे इम्पल्स जनरेट होती है. लेकिन इन केस ऑफ कॉकरोच एंड ऑल द नॉन कॉर्डेट्स विच हैव हार्ट, द हार्ट इज ऑलवेज न्यूरोजेनिक. यानी न्यूरो वर्ड इज फॉर नर्व्स, जेनिक मीन्स प्रोड्यूसिंग. तो इम्पल्स कौन जनरेट करेगा? नर्व्स प्रोड्यूस करेंगे विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द हार्ट. ठीक है, हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स में इट हैज अ डॉर्सल ब्लड वेसल विच इज ऑफकोर्स एओर्टा. ठीक है, और वो फेरिंग्स रीजन में लाई करती है. एंड पूरी की पूरी बॉडी जो है वो चार साइनसेस में डिवाइडेड है. साइनसेस मीन्स ओपन स्पेसेस. यस प्रियांशी, ब्लड कम्स फ्रॉम द साइनसेस इनटू द हार्ट एंड द सर्कुलेशन विल कंटिन्यू. ठीक है, तो चार साइनसेस हमने देखे थे, यहाँ पे देखते हैं दोबारा. तो जिस ये साइनस में हार्ट प्रेजेंट है, उस साइनस को बोला गया है पेरी कार्डियल साइनस. ये देखिए, PCS, दैट इज पेरी कार्डियल साइनस.
मिडल वाला है पेरी विसरल साइनस, जहाँ पे बाकी के ऑर्गन्स होंगे, और सबसे नीचे यानी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है पेरी न्यूरल साइनस, क्योंकि यहाँ पे नर्व कॉर्ड होगी. आज हम नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, तो इसकी नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, हमारी नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल. डॉक्टर निकिता, वंस अगेन इट्स एब्सोल्युटली ओके, यू अटेंड बैक टू बैक क्लासेस, ठीक है. चलिए, सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड रिवाइजिंग जो हमने कल पढ़ा था. ऑल राइट, तो ये है इसका पीएनएस पेरी न्यूरल साइनस, एंड देन इट हैज दिस फोर्थ हेड साइनस, ठीक है. तो कल हमने इसका रूट भी देखा. तो देखो, स्टार्ट करेंगे स्टोरी एओर्टा से. तो एओर्टा से ब्लड गया सबसे पहले इंटू द हेड साइनस, हेड साइनस से गया इंटू द पेरी न्यूरल साइनस, पेरी न्यूरल को क्रॉस करते हो, ये पेरी न्यूरल साइनस से ब्लड जाता है इन द पेरी विसरल साइनस बाय क्रॉसिंग द डॉर्सल वेंट्रल डायफ्राम, वी हैव रेड. और हमारे डायफ्राम से ये अलग है, बिकॉज इनके डायफ्राम में परफोरेशंस होंगी, ओपनिंग्स होंगी. हमारे डायफ्राम में कोई ओपनिंग नहीं होती एक्सेप्ट फॉर द पंचर थ्रू विच इसोफेगस एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल रीजन, राइट. और उसको बोलते हैं हाइएटस. अदरवाइज आपके डायफ्राम में कोई होल नहीं होनी चाहिए. हाय मृत्युंजय, गुड इवनिंग. चले, ऑल राइट. तो ये पेरी न्यूरल साइनस से पेरी विसरल साइनस में जाएगा ब्लड, और पेरी विसरल साइनस से डॉर्सल डायफ्राम की परफोरेशंस को क्रॉस करता हुआ जाएगा पेरिकार्डियल साइनस में, और पेरिकार्डियल साइनस में पड़ा है इनका हार्ट. अब इनका हार्ट देखो, चलो ये आज हमारे लिए नया टॉपिक है. सो दीज आर द चेंबर्स ऑफ हार्ट, लेट्स सी हियर. सो ये है हार्ट, ठीक है. तो ये एक चेंबर है, ठीक है, ये दूसरा चेंबर है, ये तीसरा चेंबर है, एंड सो ऑन. तो एक चेंबर से दूसरे चेंबर के बीच में ये जो ओपनिंग होती है, या साइड में जो ओपनिंग होती है जहां से कि पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट, दीज ओपनिंग्स आर नोन एज ऑस्टिया, ऑस्टियम. आप उसमें भी पढ़ते हो स्पॉन्जेस में. सो दीज माइन्यूट पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया, क्लियर. और अगेन, जैसे हमारे हार्ट के अंदर होता है कि ब्लड व्हेन फ्लोज फ्रॉम वन चेंबर टू द अनदर चेंबर, तो उसकी वाल्व्स उसको क्लोज कर लेंगी, ऐसे ही यहाँ पे भी ऑरिकुलर वाल्व्स और वेंट्रिकुलर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड. हर एक चेंबर के जो एंटीरियर साइड पे वाल्व है, दैट इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर वाल्व, और जो उसके डॉर्सल साइड पे, यानी ये जो पीछे वाली वाल्व होगी, दिस इज द ऑरिकुलर वाल्व. इज दैट क्लियर? गुड इवनिंग सूरज, दिव्यांशी, ऑल ऑफ यू. ऑल राइट, लेट्स कॉन्टिन्यू. अब देखो, इसका जो हार्ट है, इसकी मूवमेंट कौन करवाएगा? देखो, ब्लड की मूवमेंट तो वॉल्यूम डिफरेंस की वजह से होनी है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होनी है ना. तो जो इसकी मूवमेंट है हार्ट, सो सी, ये है एओर्टा और ये है इसका 13 चेंबर्ड हार्ट. नंबर वन, 13 चेंबर्ड हार्ट, इट इज क्लोज्ड ऑन द पोस्टीरियर साइड, क्लोज्ड फ्रॉम पीछे से क्लोज्ड होगा. अदरवाइज बाकी हार्ट के जितने चेंबर्स हैं वो आगे पीछे दोनों से ओपन रहते हैं, लेकिन जो 13 चेंबर है इट इज क्लोज फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड. और हमने कल ये भी पढ़ा था कि हार्ट के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड रहती है वो पोस्टीरियर से, यानी पीछे से आगे की तरफ जाएगा, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर रहेगी. अब ये मसल्स हैं एलरी मसल्स, जो कि इस हार्ट की मूवमेंट करवाएंगी, इसको स्ट्रेच करेंगी या रिलैक्स करेंगी, ठीक है. एंड दीज आर कॉल्ड एलियरी मसल्स. अब हर दो चेंबर्स के बीच में एक पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, सो हेंस 13 चेंबर्स ऑफ हार्ट के पीछे में, के पीछे प्रेजेंट है 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स. और शेप कैसी है इसकी? ट्रायंगुलर कह सकते हो या फैन शेप कह सकते हो. इज दिस क्लियर? सो दीज आर द एलरी मसल्स विच विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ हार्ट, एंड दीज आर द चेंबर्स ऑफ हार्ट. इज दैट क्लियर टू ऑल? ऑल राइट, ऑल राइट. चले, तो इसके बाद अब हम चलते हैं आज नए टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेशन की जब भी बात आती है, ऑक्सीजन की बात आती है, एयर की बात आती है, तो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में द चीफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इज लंग्स, ठीक है. तो लंग्स जब मेन ऑर्गन होती हैं तो उनको हम बोल देते हैं, पल्मोनरी सिस्टम, है ना, पल्मोनरी रेस्पिरेशन. इसके अंदर जो चीफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, दैट इज ट्रेकिया. सो कॉकरोच हैज ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ठीक है. इसकी पूरी बॉडी पे, चलो कॉकरोच ड्रॉ करते हैं. सो वी हैव दिस कॉकरोच, एंड कॉकरोच की पूरी बॉडी पे, साइड पे, लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं ओपनिंग्स. लाइक वी हैव दिस टू पेयर ऑफ सॉरी वी हैव दिस वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, दो ओपनिंग्स हैं हमारी, डायराइनस कंडीशन है. इसके अंदर जो ओपनिंग्स होंगी, जो इनकी नॉस्ट्रल्स की तरह एक्ट करेंगी, उन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्पायरेकल्स. सो स्पायरेकल्स आर द ओपनिंग्स.
also known as stigma, stigmata. ठीक है, सो ओपनिंग्स आर नोन एज स्पाइरकल्स और नॉस्ट्रल्स विच विल spiracles or stigmata which will act as the nostrils and they are present on the lateral side of the body. Now see kitne spiracles hote hain, hashtag 10 pairs of nostrils or spiracles are present, to kitne ho gaye 20. In 10 pairs mein se 2 pairs present hain thoracic region pe, so iska matlab 2 pairs are thoracic aur baki ke jo 8 pairs reh gaye they are abdominal. Now let's see, to ye thoracic ho gaye, तो कहाँ पे प्रेजेंट है ये देखो, ये प्रोथोरेक्स है, ये मीजो है, ये मेटा है, राइट? तो दो जो स्पाइरकल्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टू सेगमेंट्स, क्लियर? वन बिटवीन प्रो एंड मीजो एंड अनदर बिटवीन मीजो एंड मेटा. सो ये जो स्पाइरकल्स हैं ये बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्पाइरकल्स. थोरेसिक स्पाइरकल्स आर लार्जर इन साइज. ठीक है, नाउ सी, उसके बाद बाकी के जो 8 पेयर्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये, दिस इज द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन. ठीक है, तो इट हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इस तरह से इसके स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ द साइड्स. अब अगर इसके स्पाइरकल्स जो हैं वो हर वक्त ओपन रहेंगे, देखो हर वक्त अगर स्पाइरकल्स ओपन रहेंगे तो उसमें से वाटर एवेपोरेशन हो जानी है, ठीक है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी. यस रमेश सिंह, थोरेसिक स्पाइरकल्स आर लार्जर. ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे स्पाइरकल्स हर वक्त ओपन नहीं रहते, ये ओपनिंग्स ओपन एंड क्लोज करती हैं जब भी उसने ब्रीद करना होता है. बट द फर्स्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट एब्डोमिनल जो स्पाइरकल है दे रिमेन ऑलवेज ओपन, दे आर ऑलवेज ओपन. इसके अलावा बाकी जो है वो ओपन एंड क्लोज होंगे, आर ऑलवेज ओपन. नाउ सी, अब हाउ डज दिस थिंग हैपन, नाउ लेट्स सी हियर. देखो ये जो ओपनिंग है ये स्पाइरकल्स, आई विल चेंज द इंक. नाउ सी ये जो साइड पे ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरकल्स एंड नाउ स्पाइरकल्स आर लीडिंग इनटू दीज ट्यूब्स एंड दीज ट्यूब्स आर नोन एज ट्रेकिया एंड देन दीज ट्रेकिया विल फर्दर डिवाइड. देखो कितनी ब्रांचिंग हो रही है, दे आर फर्दर डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेक्योल्स. इज दिस क्लियर? तो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट्स सी हियर. देखो ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज अ स्पाइरकल, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्पाइरकल. अब स्पाइरकल की ओपनिंग के आसपास भी उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए वहां पे काइटन की प्लेट प्रेजेंट होगी, स्क्लेराइट प्रेजेंट होगी. नाउ सर्कुलर स्क्लेराइट इज प्रेजेंट हियर अराउंड द स्पाइरकल. ठीक है, और स्पाइरकल, अब हमारे नॉस्ट्रल्स में जैसे हेयर प्रेजेंट है टू फिल्टर द एयर, एग्जैक्टली लाइक दैट यहाँ स्पाइरकल्स की भी ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं हेयर. तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, देखिए. सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये है स्पाइरकल, ठीक है, ये है इसकी सर्कुलर स्क्लेराइट और यहाँ पे प्रेजेंट है ये है इसके ब्रिसल्स. सो दीज ब्रिसल्स विल फिल्टर द एयर, ब्रिसल्स फिल्टर द एयर, क्लियर? और ये बाहर की तरफ जो इसकी सर्कुलर, ये जो सर्कुलर स्क्लेराइट की हम बात कर रहे थे, दिस सर्कुलर स्क्लेराइट अराउंड द ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल इज नोन एज पेरिटीम, पेरिट्रीम. दिस इज नोन एज पेरिट्रीम एंड इट विल मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरकल. उसके बाद यहां पे एक ओपन खाली स्पेस आती है, दिस खाली स्पेस इज नोन एज एट्रियम, एट्रियम मीन्स चेंबर, सो दिस इज द खाली स्पेस, एट्रियम. उसके बाद शुरू हो जाता है इनका ट्रेकिया. और जैसे हमारे ट्रेकिया के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजनस रिंग्स, ऐसे इनके ट्रेकिया के आसपास ये रिंग्स प्रेजेंट हैं एंड दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ क्यूटिकुलर थिकनिंग. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्यूटिकल प्रोटीन और काइटिन को मिलकर बनता है, कवरिंग को बोलते हैं. तो वो जो कवरिंग है एपिडर्मिस की, उसी ने थिक होके बना दिया है क्यूटिकुलर थिकनिंग एंड द पर्पस ऑफ क्यूटिकुलर थिकनिंग इज टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया. अब ट्रेकिया आगे डिवाइड हो जाएगा इंटू दीज स्मॉलर ब्रांचेज एंड दीज स्मॉलर ब्रांचेज आर नोन एज
ट्रेक्योल्स, ठीक है, दीज आर द स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ट्रेक्योल्स. और ट्रेक्योल्स जो हैं, ट्रेक्योल्स के आसपास प्रेजेंट होता है एक सेल विच इज़ नोन एज ट्रेक्योलर सेल. ठीक है, तो पाथवे क्या रहा, पाथवे इसके केस में रहता है, तो लेट्स सी द पाथवे ऑफ एयर. जैसे हमारे केस में आप पढ़ते हो नॉस्ट्रल्स इनटू द नेजल चैम्बर एंड देन इनटू फेरिंग्स एंड विंड पाइप एंड सो ऑन, इसका एयर रूट क्या है, एयर पैसेज और एयर रूट. सो इट स्टार्ट्स विद स्पायरेकल्स, एंटर्स इनटू द ट्रेकिया, ट्रेकिया लीडिंग इनटू द ट्रेक्योल्स एंड ट्रेक्योल्स इनटू द ट्रेक्योलर सेल, एंड ट्रेक्योलर सेल विल बी डायरेक्टली प्रेजेंट इनटू द, और इट विल एंटर इनटू द मसल्स. सो अब देखो, दो तरह की रेस्पिरेशन होती है. ऑल राइट, हियर दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है डायरेक्ट रेस्पिरेशन, एक होती है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. डायरेक्ट रेस्पिरेशन में जो आपके सेल्स हैं दे आर इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द एटमोसफेयर, जैसे कि अमीबा है ना, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द एटमोसफेयर. बट नॉट इन आर केस, हमारा हर एक सेल डायरेक्ट कंटैक्ट विद एटमोसफेयर में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं. तो जिसमें भी मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिज्म होता है, एवरी सेल कैन नॉट बी इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द एयर. तो फिर ज़रूरत होती है ब्लड की, विच कैन कैरी ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल. बट नॉट इन केस ऑफ कॉकरोच. वॉट हैपन्स, एक ओपनिंग है स्पायरेकल एंड इट इज लीडिंग इन टू ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स, एंड देन ट्रेक्यूल्स आर डायरेक्टली ओपनिंग इन टू द मसल्स, यानी कि जो सेल्स हैं दे आर इन डायरेक्ट टच विद द एटमोसफियर. सो इसका मतलब कॉकरोच के अंदर होगी डायरेक्ट रेस्पिरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इसके अंदर होगी डायरेक्ट रेस्पिरेशन. सो द सेल्स आर इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद एटमोसफियर, डायरेक्ट कंटैक्ट विद एटमोसफियर. ऑल राइट, अब इसके बाद ट्रेकिया हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरेकल, ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स, एंड देन इट वुड लीड इन टू द मसल्स. अब क्योंकि डायरेक्टली एयर इज बींग ट्रांसपोर्टेड इन टू द टिश्यू, इन टू द मसल्स, सो इट डज नॉट नीड एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट. या ऐसे कह लो कि क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो नेचर ने इनका क्या तरीका बनाया है कि हर एक सेल तक ट्रेक्यूल या ट्रेक्यूलर सेल खुद हवा लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा. सो इधर नाउ लेट्स सी हियर. सो यहाँ पे प्रेजेंट है मसल्स. सो सी हियर, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होंगी, ये मसल्स बना देते हैं यहाँ पे. सो ये मसल्स, फ्लाइट मसल्स वगैरह यहाँ पे सब प्रेजेंट होंगी. सो अब मसल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी डायरेक्टली पुट इन टू द सेल, और सेल से डायरेक्टली ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड इन टू द मसल. तो डायरेक्ट डिफ्यूजन वुड टेक प्लेस बिटवीन एटमोसफियर एंड द सेल्स, हैंस डायरेक्ट रेस्पिरेशन. ऑल राइट, येस डॉक्टर निकिता, इट लैक्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट. येस, ईच सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू, इन कंटैक्ट विद द एटमोसफियर. चलिए नेक्स्ट वी कम ऑन टू नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम के कुछ फीचर्स देख लेते हैं. कुछ चीज़ें तो हम पहले से बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम यानी कॉर्डेट्स के अंदर नर्वस सिस्टम जब भी होगा वो होगा ऑन द डोर्सल साइड, इसका नर्वस सिस्टम होगा ऑन द वेंट्रल साइड. ठीक है, यानी कि अगर ये कॉकरोच है तो उसका नर्व कॉर्ड नीचे वाली साइड पे होने वाला है. ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम नीचे वाली साइड पे होगा और हार्ट ऊपर होगा, हमारे केस में उल्टा होता है. चले, सो वेंट्रल साइड पे है और इसके नर्वस सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं. जैसे हमारे केस में भी हम तीन कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, दो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यहाँ पे हमने तीन कर दिए. ठीक है, देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. हाँ, हमारे केस में ऑटोनॉमिक को हम पीएनएस के अंडर ही पढ़ते हैं. चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे केस में दो कंपोनेंट्स में कंटेन करता है, वन इज ब्रेन एंड अदर इज स्पाइनल कॉर्ड. अब इसके अंदर भी यही है, इसके अंदर ब्रेन की जगह पे प्रेजेंट है ब्रेन रिंग, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड की जगह पे प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमेशा आती हैं वो सारी नर्व जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, तो ब्रेन से निकलने वाली या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली या वो नर्व जो इन तक पहुंचेंगी, इन तक मैसेज लेके आएंगी, इनके आसपास इनकी पेरिफेरी में जितनी भी नर्व होंगी दे विल फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब अगेन यहाँ पे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होंगी नर्व्स. ठीक है, और वो सारी नर्व्स अराउंड द सी एन एस आर गोइंग टू फॉर्म द पी एन एस. आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है.
We need to discuss the details of CNS, central nervous system. Now let's see. देखो अब ब्रेन रिंग, इसमें ब्रेन रिंग के अंदर तीन कंपोनेंट्स आएंगे. वो तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है इसका सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, इसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट है तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया बोल दिया. देन वी हैव इसोफेगस के नीचे तो वी कॉल इट सब इसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है. और इन दोनों गैंग्लिया को कनेक्ट करने वाला एक कनेक्टिव होगा. कनेक्टिव होता है ऐसी ग्रुप ऑफ नर्व्स जो कि दो डिफरेंट गैंग्लिया को कनेक्ट करें. सो दिस वुड बी सरकम इसोफेजियल गैंग्लिया. ऑल राइट, अब समझ लेते हैं पहले. तो ये देखते हैं. सो से दिस इज द, सो आई यूज दिस पेन, ठीक है. सो से दिस इज द इसोफेगस, ठीक है. तो ये अगर इसोफेगस है तो इसोफेगस के ऊपर एक गैंग्लिया है, उसको हम सुप्रा इसोफेजियल बोलेंगे. एक नीचे है तो उसको हम सब इसोफेजियल बोलेंगे, ठीक है. तो सुप्रा इसोफेजियल और सब इसोफेजियल, इन दो अलग गैंग्लिया को जोड़ने वाला साइड पे प्रेजेंट है सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव. सॉरी आई हैव रिटन गैंग्लिया, इट इज सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव, ठीक है. तो ये तीन चीजें मिलके बना देती हैं ब्रेन रिंग. अब ये ब्रेन रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो ब्रेन रिंग है #, इट इज फाउंड इन द थोरेक्स. कल के लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो कॉकरोच है वो बिना हेड के एक हफ्ता जिंदा रह सकता है. क्यों रह सकता है? बिकॉज उसके हेड के अंदर कंट्रोल है ही नहीं. हमारा तो सारा कंट्रोल हेड में है. तो जब उसका कंट्रोल हेड में है ही नहीं तो उसके हेड की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट इज़ वाई कॉकरोच कैन रिमेन हेडलेस, इट कैन सर्वाइव हेडलेस फॉर 1 week. अब एक हफ्ते से ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि फिर वो भूख की वजह से मर जाएगा. माउथ नहीं होगा तो इट वोंट बी एबल टू फीड इटसेल्फ, राइट. तो उसके अंदर जितना भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए उसको रखेगा, सर्वाइव करवाएगा, एंड देन इट विल डाई. ऑल राइट मिस धोनी, MS धोनी, ऑल राइट. देन नर्व कॉर्ड जो है इसकी, नर्व कॉर्ड इज ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है. लेट्स सी, तो नर्व कॉर्ड इज ऑन द वेंट्रल साइड एज सेड. डबल होती है हमारी, ये सारे पॉइंट्स उल्टे कर दो और वो कॉर्डेट बन जाएगा. सो नर्व कॉर्ड इन केस ऑफ कॉकरोच इज वेंट्रल, इट इज डबल एंड इट इज होलो. एंड ऑन द वेंट्रल कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड लाइज 9 गैंग्लिया, आउट ऑफ विच 3 गैंग्लिया आर फाउंड इन द थोरेसिक रीजन एंड 6 गैंग्लिया आर फाउंड इन द एब्डोमिनल रीजन, ठीक है जी, एब्डोमिनल रीजन. चलिए नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. सो हियर वी आर. ऑल राइट, सो गाइज ये जो इन्होंने ड्रॉ किया है, ठीक है. सो दिस होल स्ट्रक्चर, द वन इन ब्लू, दिस होल स्ट्रक्चर इज द ब्रेन और द ब्रेन रिंग. नाउ दिस ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय 3 स्ट्रक्चर्स एज मेंशन. सी सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, इट हैज सब इसोफेजियल गैंग्लिया एंड इट हैज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. सो ब्रेन और ब्रेन रिंग, दिस इज सेरिब्रल गैंग्लिया ऊपर वाला, ठीक है. तो ये तीन चीजें मिलके बना देती हैं इसकी ब्रेन रिंग. अब ब्रेन से अराइज होते हैं नर्व कॉर्ड्स. तो इसकी दो नर्व कॉर्ड्स हैं, देखो दिस इज वन नर्व कॉर्ड विच गोज टिल द पोस्टीरियर एंड एंड इट हैज दिस सेकेंड नर्व कॉर्ड ऑल्सो. सो हमारी सिंगल नर्व कॉर्ड होती है, इसकी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी. सो दीज आर द टू नर्व कॉर्ड्स, क्लियर. अब नर्व कॉर्ड्स के ऊपर प्रेजेंट हैं 9 गैंग्लिया. नाउ आउट ऑफ द 9 गैंग्लिया, सी यहां तक इसका थोरेक्स रीजन है, ठीक है. सो दिस इज प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, देन मीजोथोरेक्स में मीजोथोरेसिक गैंग्लिया एंड मेटाथोरेक्स में मेटाथोरेसिक गैंग्लिया. इसके अलावा बाकी के जो 6 गैंग्लिया हैं, दे लाई इन द एब्डोमिनल रीजन. हाँ सही, एब्डोमिनल रीजन की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इट हैज 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स. ना सी एब्डोमिनल, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स कौन कौन से रीजन में होंगे. ना सी फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया इज इन द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट. सेकेंड वुड बी इन द सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट, सेकेंड एंड सेकेंड,
third would be in the third abdominal segment. अब आपको लग रहा होगा मैं थर्ड थर्ड इकट्ठा करती जा रही हूँ. वेल यहाँ पे कुछ हटके चीज़ आने वाली है. फोर्थ वुड बी इन द फोर्थ, फिफ्थ वुड बी इन द फिफ्थ. यहाँ पे कुछ मिस हो गया. दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, एंड देन नाउ सी द सिक्स्थ गैंगलिया, दिस इज द फिफ्थ. ठीक है, द सिक्स्थ गैंगलिया इज नॉट इन द सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट. द सिक्स्थ गैंगलिया लाइज इन द सेवेंथ सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट. सो कौन सा एब्डोमिनल सेगमेंट है जिसके अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज इन द सिक्स्थ सेगमेंट. यस अपूर्वा, आई कैन सी दैट यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ की कर रखी है. दिस इज नॉट रियली हेड, ठीक है, ये एक तरह से थॉरेक्स ही है. सो जस्ट कंसिडर इट थॉरेक्स, फाइन. दिस इज मीजो, दिस इज प्रो, दिस इज ऑल थॉरेक्स, फाइन. लेट्स चेंज इट. This is all thorax. Head would be downwardly directed. Clear? अब इन गैंग्लिया से जो अराइज होंगी नर्व्स, जैसे कि ये वाली नर्व्स अराइज हो रही हैं, तो जो नर्व्स अराइज होंगी उन नर्व्स को हम बोल देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो ऑल दीज नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द नर्व कॉर्ड और द ब्रेन रिंग, ऑल दीज ग्रीन कलर्ड नर्व्स, दे विल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो दैट इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम दैट यू हैव टू स्टडी. अब नर्वस सिस्टम की बात होती है तो सेंस ऑर्गन की हमेशा बात होती है. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द सेंस ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल एंटीने हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड टच रिसेप्टर्स. आईज, कंपाउंड आईज, दे आर द फोटो रिसेप्टर्स. ऑसिलाय मैंने कल बताए थे, ऑसिलर विच आर फाउंड, ऑसिलर स्पॉट्स विच आर फाउंड एट द बेस ऑफ एंटीने, दे एक्ट एज सिंपल आईज एंड दे डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, बी नो नॉट नेसेसरी हरीश कि ब्रेन हमेशा हेड में होगा. दिस इज नॉट नेसेसरी एंड वी हैव एन एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज कॉकरोच. ठीक है, सो अगर कभी भी तुम्हें हेडलेस कॉकरोच नजर आ जाए चलता फिरता तो डरना मत, वो कोई भूत नहीं है. इट्स वेरी साइंटिफिक, ठीक है, कि वो उसके हेड के अंदर ब्रेन नहीं होता, सो इट कैन सर्वाइव. गलती से अगर उसका हेड कट जाए तो तब भी वो एक हफ्ता तो जिंदा रह लेगा. ऑल राइट, चले तो हम बात कर रहे थे सेंस ऑर्गन्स की. तो एंटीना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, देन कंपाउंड आइज एंड ऑसिलर स्पॉट्स आर द फोटो रिसेप्टर्स. देन टेस्ट रिसेप्टर्स हमने पढ़ा था आर प्रेजेंट ऑन द लेग्स. तो बड़ी मज़ेदार बात है, चलते चलते वो अपना फूड भी टेस्ट कर लेता है, यानी चलते चलते पैर के नीचे जो खाना आया उसको उसका टेस्ट भी पता लग गया. राइट, बिकॉज टेस्ट रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द लेग्स और द फीट लेग्स ऑफ द कॉकरोच. क्लियर, ऑल राइट. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन कॉकरोच. सो सबसे पहले रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअलिटी देखते हैं इसकी. सो कॉकरोच आर यूनिसेक्सुअल. ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है द मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट बॉडी, सेक्सेस आर सेपरेट. क्लियर, अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी एग्जिबिट करता है. हमने पहले भी पढ़ा था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज अ फिनोमिना इन विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी. जैसे ह्यूमन बींग से देख के पता लगता है ना कि ये मेल है ये फीमेल, बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट, ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ फीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं इसको डिस्टिंग्विश करने में कि कौन मेल कॉकरोच है कौन सा फीमेल. एक हमने ऑलरेडी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फीचर कर रखा है. कैन एनीवन टेल मी कि कौन सा स्ट्रक्चर किया था जो कि सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है एंड इट इज यूज्ड फॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. जल्दी से बता दीजिए कौन सा वो स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा था. हिंट दे देती हूँ, वो एब्डोमिनल रीजन पे प्रेजेंट है. Which structure, abdominal segment structure would help in sexual dimorphism in cockroach? And it is found only in the male cockroach. Yes, everybody, please concentrate on the lecture. ठीक है? All right. तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा structure है जो सिर्फ male cockroach में मिलेगा, जिसके base पे तुम differentiate करोगे. It is found on the hind region of abdomen. Anybody who's seriously listening, guys, please stop chatting. ये normal बातचीत तो कभी भी होती रहेगी. ठीक है, please utilize these classes.
आई थिंक अगर आप रेगुलरली इन क्लासेस को बहुत केयरफुली सुने और अटेंड करते रहें तो कोई ऐसा क्वेश्चन रह नहीं जाएगा जो आप अटेम्प्ट ना कर सकें. सो लेट्स यूज दीज क्लासेस. ठीक है. ऑल राइट. यस हरीश, यू आर वेरी राइट. इट इज द स्टाइल. सो इनर स्टाइल्स आर द स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड ऑन द 10th स्टरनाइट ऑफ मेल कॉकरोच. ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखा है. ठीक है जी. तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, यूनिसेक्सुअल है और इनमें मेल फीमेल ये जो स्टाइल्स हैं दे आर फाउंड ओनली इन द मेल कॉकरोच. क्लियर. ऑल राइट. तो अब देखते हैं एक एक करके कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है. ऑल राइट गाइस. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 टेस्टीज. ऑफकोर्स इट विल कंसिस्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स विच विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स. डॉक्टर निखिल यू आंसर्ड फर्स्ट. आई एम सॉरी आई मिस्ड इट मे बी. यस. ऑल राइट ऑल राइट. वेरी गुड इफ यू न्यू दैट. ठीक है. चलिए. आई नो यू हैव बीन रेगुलर विद द क्लासेस. चलिए तो बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एब्डोमिनल रीजन में. नंबर 1 फाउंड इन द एब्डोमिन. दूसरा, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? इनके अंदर टेस्टीज प्रेजेंट हैं जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होगा. इसके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट हैं. इसके अंदर प्रेजेंट हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ कॉकरोच. जेनिटेलिया ऑफ कॉकरोच इज नोन एज फेलोमियर्स. क्लियर. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन कॉकरोच. नाउ लेट्स सी. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दीज फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज टेस्टीज. ऑल राइट. लेट्स सी. पहली बात, ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है? देखो, ये स्टार्ट होता है फोर्थ सेगमेंट. फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन. ठीक है. तो आपको याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है. व्हाई? बिकॉज इट शोज ट्रू सेगमेंटेशन. तो ट्रू सेगमेंटेशन यानी बाहर की सेगमेंटेशन विल कोइंसाइड विद द इंटरनल सेगमेंटेशन एज वेल. यस. नाउ सी, फोर्थ सेगमेंट से लेके सिक्स्थ सेगमेंट तक एक्सटेंड होती हैं इनकी टेस्टीज. तो टेस्टीज कैसी हैं? नंबर 1 फोर्थ से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में है. नंबर 2 कैसी हैं? फ्लावर लाइक है. सो फॉलिकल्स की बनी होती हैं. दीज आर फॉलिकुलर. सो दीज आर द फॉलिकल्स. 1, 2, दीज आर फॉलिकल्स. फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स. कैसी हैं? इलोंगेटेड हैं, लंबी हैं. और कभी भी टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन करना. सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस. ऑल राइट. अब यहां पे स्पर्म्स बन गए. स्पर्म्स बनने के बाद दीज स्पर्म्स विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज डक्ट्स. ये जो डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स इसको ट्रांसपोर्ट करेंगी और इन डक्ट्स को हम बोलते हैं वास डेफरेंसी. इधर लिखा हुआ है. सो दे विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू वास डेफरेंस. और वास डेफरेंस से होते हुए ये स्पर्म्स चले जाते हैं इस स्ट्रक्चर में जिसको बोला गया है सेमिनल वेसिकल. यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़. तो ये जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है, दिस सेंट्रल स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमिनल वेसिकल्स. Now, seminal vesicles are going to store the sperms. Yes, Pramod, I've just answered your question. Sperms are stored in the seminal vesicles. अब seminal vesicles के अंदर secretion present होती है, जो कि उन sperms को आपस में क्या कहते हैं, stick करके बना देंगी sperm ball. Now, guys, please pay attention. यहाँ से अब चीजें थोड़ी सी intricate होने वाली हैं. देखो, टेस्टीज ने बनाए स्पर्म्स, वास डेफरेंस ने उनको ट्रांसपोर्ट किया और कहाँ पे स्टोर कर दिया? सेमिनल वेसिकल्स में. सेमिनल वेसिकल्स के अंदर सिक्रीशंस प्रेजेंट होंगी जो कि उन सारे स्पर्म्स को जोड़ के बना देंगी स्पर्म बॉल. क्लियर. अब स्पर्म नहीं रहा, अब क्या बन गया है? स्पर्म बॉल बन गया है. नाउ सी, अब सेमिनल वेसिकल के आसपास प्रेजेंट होती है मशरूम ग्लैंड. नाउ सी हियर. सो द वन आई एम मार्किंग इन ग्रीन, ये सारी है इसकी मशरूम ग्लैंड. इन मशरूम ग्लैंड को हम बोल देते हैं दिस इज मशरूम ग्लैंड. मशरूम ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज यूट्रिकुलस ग्लैंड. ठीक है. अब यूट्रिकुलस ग्लैंड में, ओके, यूट्रिकुलस ग्लैंड के अंदर दो तरह के ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्मॉल ट्यूब्स एंड लार्ज ट्यूब्स. ऑल राइट. नाउ लार्ज ट्यूब्स आर नोन एज यूट्रिकुलाई मेजर, स्मॉल ट्यूब्स आर नोन एज यूट्रिकुलाई माइनर.
तो यूट्रिकुलाई मेजर, मेजर मीन्स बड़ा, एंड स्मॉल वंस आर नोन एज यूट्रिकुलाई माइनर। अब देखो ये जो ग्रीन कलर की हैं ये इसकी स्मॉल एंड लार्ज ट्यूब्स होंगी, ठीक है। अब ये ट्यूब्स से एक सिक्रीशन आती है। देखो स्मॉल ट्यूब्स जो हैं, स्मॉल ट्यूब्स आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, लेकिन जो लार्ज लॉन्ग ट्यूब्स है यूट्रिकुलाई मेजर, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ सिक्रीशन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे समझाती हूँ। देखो स्पर्म इसको प्रोड्यूस किसने किया? टेस्टिस ने। उसके बाद स्पर्म्स चले गए सेमिनल वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट करके ले गए सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स विल स्टोर द स्पर्म्स एंड फॉर्म, और वहाँ पे सिक्रीशन आएगी और वो सिक्रीशन जो है उनको बना देगी स्पर्म बॉल, फॉर्म्स स्पर्म बॉल। यस हरीश, अभी आएंगे फेलोमियर्स पे भी। पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इन स्ट्रक्चर्स का क्या काम है। सेमिनल वेसिकल्स ने स्पर्म्स को स्टोर कर लिया और क्या बन गया? स्पर्म बॉल, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स हैं। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज अ स्पर्म बॉल नाउ, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल्स के बाद, अब सेमिनल वेसिकल्स के आसपास प्रेजेंट होती है मशरूम ग्लैंड। सो जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं मशरूम ग्लैंड की, दे विल सिक्रीट द फर्स्ट लेयर, ठीक है। और लॉन्ग ट्यूब्यूल सिक्रीट करेंगी फर्स्ट लेयर अराउंड द स्पर्म बॉल, ठीक है। तो ये जो स्पर्म बॉल है, लेट्स सी हियर, ये जो स्पर्म बॉल है, स्पर्म बॉल, इसके आसपास पहली सिक्रीशन प्रोड्यूस होने वाली है। एंड दैट फर्स्ट सिक्रीशन, लेट्स लेबल इट लाइक दिस, ये जो अंदर वाली सबसे पहली सिक्रीशन है ये किससे आई है? ये आई है लॉन्ग ट्यूब्स ऑफ मशरूम ग्लैंड से। क्लियर? अब यहां से फर्स्ट लेयर सिक्रीट होने के बाद, लेट्स गो बैक टू द स्ट्रक्चर हियर। देखो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल में वो क्या बन गया था? स्पर्म बॉल। आसपास के लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ने उसके आसपास पहली सिक्रीशन प्रोड्यूस कर दी है और वो क्या बन गया? वो बन गया है, सॉरी, उसके बाद बाहर एक फर्स्ट लेयर प्रोड्यूस कर दी है। अब फर्स्ट लेयर प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ से स्पर्म्स आ जाते हैं इस ट्यूब में। कैन यू सी दिस येलो ट्यूब? दिस येलो ट्यूब इज नोन एज, दिस ट्यूब इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये वाली ट्यूब है, दिस वन, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? नाउ इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जब ये स्पर्म बॉल आया तो स्पर्म बॉल के आसपास होती है सिंगल लेयर। अब इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जब वो आएगा तो इजैकुलेटरी डक्ट की वॉल्स रिलीज करेंगी सेकेंड लेयर। क्लियर? सो ऑल राइट हिमांशु, आई विल हाइड माई सेल्फ, यू डोंट वॉन्ट टू सी, फाइन आई विल वैनिश। ओके सो देखिए इजैकुलेटरी डक्ट में आया हमारा स्पर्म बॉल, स्पर्म बॉल जिसके आसपास फर्स्ट लेयर प्रेजेंट थी। अब जैसे ही वो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में आया तो इजैकुलेटरी डक्ट की वॉल सिक्रीट करेगी उसके आसपास सेकेंड लेयर, ठीक है। तो अब देखो, तो सेकेंड लेयर, अब फर्स्ट लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर के बाद वो आ गया इजैकुलेटरी डक्ट में। सो आफ्टर फर्स्ट बॉल दिस स्पर्म बॉल एंटर्स द इजैकुलेटरी डक्ट। जब वो इजैकुलेटरी डक्ट में एंटर करता है तो इजैकुलेटरी डक्ट रिलीज करती है उसके आसपास सेकेंड लेयर, सिक्रीट्स सेकेंड लेयर। इजैकुलेटरी डक्ट रिलीजेस सेकेंड लेयर। तो ये देखो अब इसके आसपास सेकेंड लेयर भी आ जाएगी। लेट्स सी हियर, सो दिस इज द सेकेंड लेयर। तो स्पर्म बॉल के आसपास सेकेंड लेयर किसने प्रोड्यूस की है? इजैकुलेटरी डक्ट ने। क्लियर? ऑल राइट। अब इजैकुलेटरी डक्ट ने सेकेंड लेयर प्रोड्यूस कर दी और सेकेंड लेयर यानी डबल लेयर्ड जो स्पर्म बॉल होता है, सो डबल लेयर्ड स्पर्म बॉल इज नाउ नोन एज स्पर्मेटोफोर। स्पर्म बॉल इज स्पर्मेटोफोर। चले अब अभी एक इसके आसपास और सिक्रीशन प्रोड्यूस होनी है। चले अब देखो इसके बाद अब आते हैं हम दोबारा से यहां पे। नाउ कैन यू सी हियर, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट, है ना।
तो ये इजैकुलेटरी डक्ट की जो नीचे ओपनिंग प्रेजेंट होगी, सी हियर, सो दिस ओपनिंग प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ, सॉरी, दिस ओपनिंग ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट फाउंड ऑन द डोर्सल साइड ऑन द पोस्टीरियर एंड, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं मेल गोनोपोर. आई विल राइट इट हियर, दिस इज मेल जेनाइटल पोर और गोनोपोर. ठीक है जी. अब जब आपका स्पर्मेटोफोर यानी कि डबल लेड स्पर्म बॉल इस एंड पे पहुंचता है, यहां पे पहुंचता है जिसके आसपास दो कवरिंग्स प्रेजेंट हैं, अब यहां से इसके पीछे, कैन यू सी हियर, देयर इज अनदर ग्लैंड फाउंड. यहां पे ये ब्लू कलर की ग्लैंड बना देते हैं, ये एक ग्लैंड है एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज फेलिक ग्लैंड. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्गो ब्लेड ग्लैंड. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रिकेट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी सिंपल, सो दैट वोंट टेक लॉन्ग. यहाँ पे समझ लेना, कॉन्गो ब्लेड ग्लैंड और द फैलिक ग्लैंड, ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट आ रही है. आई विल मेक इट ब्लू, सो दिस इज द फैलिक ग्लैंड की डक्ट. ठीक है, पीछे से फैलिक ग्लैंड की डक्ट आ रही है, तो यहाँ पे ये ओपनिंग है. तो जब ये स्पर्म बॉल यहाँ नीचे एट द ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट आया, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट इज नोन एज मेल गोनोपोर और जेनाइटल पोर. यस, जैसे ही वो यहाँ पे आता है तो फैलिक ग्लैंड उसके आसपास एक थर्ड सिक्रीशन प्रोड्यूस कर देगी. लेट्स गो बैक. अब देखो, तो इजैकुलेटरी डक्ट सिक्रीट की, इजैकुलेटरी डक्ट ने सिक्रीट की सेकेंड लेयर एंड नाउ दिस स्पर्मेटोफोर रीचेस, स्पर्मेटोफोर डबल लेयर्ड स्पर्म बॉल इज नोन एज स्पर्मेटोफोर. स्पर्मेटोफोर रीचेस द मेल गोनोपोर, मीन्स मेल जेनाइटल ओपनिंग गोनोपोर. और जब ये यहाँ पे पहुँचता है तब क्या होना है, तब फैलिक ग्लैंड की सिक्रीशन आ जाएगी. नाउ फैलिक ग्लैंड सिक्रीट्स द थर्ड लेयर, सिक्रीट्स थर्ड लेयर, और ये थर्ड लेयर ऐसे बन जाएगी. ये देखो, अब थर्ड लेयर आ गई, तो चलो इसको येलो से मार्क कर देते हैं. सो दिस इज द थर्ड लेयर अराउंड द स्पर्म बॉल. सो दिस इज द स्पर्म बॉल और उसके आसपास ये थर्ड लेयर, दैट इज बाय फेलिक ग्लैंड. सो आउटर मोस्ट लेयर इज बाय फेलिक ग्लैंड, मिडल वन इज बाय इजैकुलेटरी डक्ट एंड द इनर मोस्ट वन, इनर मोस्ट जो है दैट इज द फर्स्ट. सबसे पहले ये सिक्रीट होती है, फिर ये सिक्रीट होती है एंड देन फेलिक ग्लैंड थर्ड सिक्रीट करता है. सो अब ये जो थ्री लेयर्ड, यस डॉक्टर निकिता, एब्सोल्यूटली, फर्स्ट सिक्रीशन इज बाय लॉन्ग ट्यूब्यूल, सेकंड इज बाय इजैकुलेटरी डक्ट एंड फॉर्मिंग स्पर्मेटोफोर एंड थर्ड इज बाय द फैलिक ग्लैंड. एक्सीलेंट. ऑल राइट, अब ये जो थ्री लेयर्ड स्पर्म बॉल है या स्पर्मेटोफोर है, नाउ दिस विल बी रिलीज्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और द फीमेल बॉडी. अब जो स्ट्रक्चर्स, लेट्स सी हियर, अब ये जो स्ट्रक्चर्स आसपास, फेलोमियर, सो में वर्ड्स दिख रहे हैं, ये जो लेफ्ट फेलोमियर है, राइट फेलोमियर है, ये राइट, लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर्स, तो ये जो फेलोमियर्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज गोनापोफाइसिस. दीज आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैंने बताया था ये फेलोमियर्स, दीज आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, गोनापोफाइसिस. दीज एक्सटर्नल जेनिटेलिया और गोनापोफाइसिस, दे आर मेड अप ऑफ काइटिन, ये काइटिनस स्ट्रक्चर्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है. These are chitinous structures, irregular in shape. ठीक है, और ये help करेंगे in opening the female track, in opening the female genital pore and depositing these, this three-layered spermatophore in the female body. Is that clear to all? ठीक है, तो फेलोमियर्स का काम क्या है, in opening the female structure, female genital pore to deposit these three layered spermatophores in the female body. अब आ जाते हैं हम female body पे. देखो, अब female की body काफी simple as compared to male reproductive system. अब female के अंदर यहाँ पे सबसे पहला structure, देखो ये जो structure red color में balloon like structure है, it's like this. So ये जो structure है, ये दो होते हैं, इस structure को हम बोलते हैं spermatheca. नाम तो स्पर्माथीका है, बट स्पर्माथीका इज ऑलवेज अ फीमेल स्ट्रक्चर. किसी भी इंसेक्ट के अंदर अगर आप स्पर्माथीका पढ़ते हो, या इवन अर्थवर्म में भी कभी आता है, तो स्पर्माथीका इज ऑलवेज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट. तो ये स्पर्माथीका का काम होता है टू स्टोर द स्पर्म्स. सो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन,
गोनापोफाइसिस ऑफ मेल कॉकरोच विल हेल्प इन ओपनिंग दिस फीमेल जेनाइटल पोर, और इसको ओपन करके वो स्पर्म्स को कहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे, इस स्पर्माथीका के अंदर. इज दैट क्लियर टू ऑल? ऑल राइट गाइज, जल्दी से बता दो इतना सबको समझ में आया, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द सिंपलर टॉपिक दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जस्ट जल्दी से बता दीजिए येस नो में कि आपको समझ में आया है और यू नीड सम रेपिटेशन. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. दानिश, वॉट डज नो मीन? समझ नहीं आया? यू सीम टू बी लिटिल लेट इन द क्लास. गाइज प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द नोटिफिकेशन ऑफ एनी क्लास. अपूर्वा भी टिटिलेटर और सूडोपिनस पे आते हैं. आई टेल यू वॉट डज दैट मीन. ऑल राइट, एवरीथिंग इज क्लियर? ऑल राइट ऑल राइट. चलिए अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है? ओवरी. ठीक है. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी टेस्टिस स्टार्ट हुई थी फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट से, फोर्थ से सिक्स तक. अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ. सो दिस इज हाउ इट विल बी प्रेजेंट. तो इनकी जो ओवरीज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं सेकेंड से, सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट से लेके सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट तक एक्सटेंड करेंगी. कैसी हैं? दे आर फिलामेंटस. इनमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और हर एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नाइन ओवेरियोल्स. सो यूनिट ऑफ ओवरी इज ओवेरियोल्स. यस, सो नाइन ओवेरियोल्स. ये कैन यू सी दीज स्ट्रक्चर्स? ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द ओवेरियोल्स. और ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स हैं? नाइन. ठीक है, तो ईच ओवरी हैज नाइन ओवेरियोल्स. सो दिस इज, दीज आर द नाइन ओवेरियोल्स. नाउ सी, हर एक ओवरी के अंदर नाइन ओवेरियोल्स हैं. अपूर्वा, इट कुड बी एट टू नाइन. हम जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना पढ़ रहे हैं इसमें नाइन ओवेरियोल्स होते हैं. ऑल राइट, चलिए. सो चलिए लेट्स कंसिडर इट एट. एट टू नाइन ओवेरियोल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो अब हर एक ओवेरियोल ने देखो क्या करना है. हर एक ओवेरियोल ने एक एग बनाना है. अंडरस्टैंड दिस, ईच ओवरी हैज एट टू नाइन ओवेरियोल्स. ईच ओवेरियोल इज गोइंग टू प्रोड्यूस वन एग. तो एक ओवरी ने कितने एग्स बना दिए? अगर आप एट भी लो तो एक ओवरी ने कितने बना दिए? एट एग्स. दूसरी ओवरी ने कितने बना दिए? एट एग्स. टोटल एग्स कितने बन रहे हैं एट अ टाइम? 16 इन नंबर. ठीक है, अब ये दोनों ओवरी से 16 एग्स बन के आ रहे हैं थ्रू दीज ओविडक्ट्स. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर द ओविडक्ट्स. ये जो ट्यूब्स इसको ट्रांसफर करेंगी, दीज आर द ओविडक्ट्स. दोनों ओविडक्ट्स मिलकर बना देंगी ये कॉमन ओविडक्ट. सो कॉमन ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेजाइना इन दिस केस. सो आई विल मार्क इट विद ब्लू. सो ये कॉमन ओविडक्ट है. सो दिस इज द वेजाइना. क्लियर? और कॉमन ओविडक्ट इसने ट्रांसफर कर दिया. और ये ओवा कहाँ रिलीज हो जाएंगे? इन दिस हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन द पोस्टीरियर एंड. एंड यहाँ पे इसके ये एग्स रिलीज हो जाएंगे. दीज आर द एग्स रिलीज इन द जेनाइटल पाउच. सो एग्स आर रिलीज इन द जेनाइटल पाउच. नाउ जेनाइटल पाउच का जो ये पोस्टीरियर एंड है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं. जो एंटीरियर एंड है, ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम जेनाइटल चेंबर बोल देते हैं. चलिए, तो एग्स आर प्रिसाइजली रिलीज इन द जेनाइटल चेंबर. अब ये जो 16 एग्स यहाँ पे आए हैं, इन 16 एग्स के आसपास ये जो ब्लू कलर की इन्होंने ब्रांच्ड ग्लैंड्स बनाई हुई हैं, दीज ग्लैंड्स आर नोन एज कोलेट्रियल ग्लैंड्स. ठीक है हरीश, वी आर ऑन दिस कोलेट्रियल ग्लैंड्स नाउ. ठीक है, कोलेट्रियल ग्लैंड्स, कोलेट्रियल यानी कि जो साइड्स पे प्रेजेंट हैं. सो दीज आर हाईली ब्रांच्ड ग्लैंड्स. तो हाईली ब्रांच्ड ग्लैंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी एक सिक्रीशन. ठीक है, विच विल बी मेड ऑफ स्क्लेरो प्रोटीन. स्क्लेरिक वर्ड इज ऑलवेज फॉर हार्ड. तो एक हार्ड सी सिक्रीशन बनाने वाला वाइटिश कलर का प्रोटीनिशियस फ्लूड रिलीज होने वाला है. और वो फ्लूड जो है इन सारे एग्स को कंटेन कर देगा, बना पैक कर देगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में. सो दीज कोलेट्रियल ग्लैंड्स दे विल प्रोड्यूस अ फ्लूड मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ऊथीका, और वी कॉल इट एग केस. क्लियर? एग केस मीन्स एग्स के आसपास का केस.
और ये है स्पर्मा थीका। मैंने अभी बताया था कि मेल ने ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन जो एग्स हैं वो कहाँ पे स्टोर किए हैं, स्पर्मा थीका में। सो ये स्पर्मा थीका दो होते हैं, एक आपको इस साइड पे नजर आ रहा है, एक बोर्ड के दूसरी साइड पे होगा, ठीक है। यस, सो दो स्पर्मा थीका होते हैं एंड दे स्टोर द स्पर्म्स, क्लियर। नाउ व्हाट वुड हैपन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, स्पर्म्स रिलीज हो गए थे इसमें, यस स्पर्म्स हैव बीन रिलीज। अब ऊ थीका बन चुका है, देखो ऊ थीका कैसा होगा, दिस इज द एग केस और ऊ थीका, सो ये बैरल शेप होता है, सो दिस इज द बैरल शेप्ड ऊ थीका मेड ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन विच इज सिक्रेटेड बाय कोलेट्रल ग्लैंड एंड दे कंटेन हाउ मेनी एग्स, 14 से 16 एग्स विल बी फाउंड इन द ऊ थीका, क्लियर। नाउ दिस ऊ थीका इज रेडिश ब्राउन इन कलर, दिस रेड एग केस इज रेडिश ब्राउन इन कलर, और वंस द एग्स आर पैक्ड इन ऊ थीका, अब ये फीमेल कॉकरोच इस ऊ थीका को यहां से रिलीज कर देगी। ये ऊ थीका आर रिलीज एंड दे आर रिलीज इन अ सेफ डार्क एंड ड्राई प्लेस, क्लियर। यस, सो अब ये ऊ थीका विल बी रिलीज इन द सेफ डार्क एंड ड्राई प्लेस जहां से कि प्रिडेटर्स इसको जल्दी से ढूंढ ना पाए, क्लियर। नाउ ऊ थीका हैव बीन रिलीज एंड दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल राइट, अब क्वेश्चन आया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस पार्ट को लेके, टिटिलेटर एंड सूडोपिनस। टिटिलेटर जो है वो स्ट्रक्चर फीमेल को सेक्सुअली एक्साइट करने में हेल्पफुल होता है, और सूडोपिनस का कोई खास रोल है नहीं, इज दिस क्लियर। सो टिटिलेटर हेल्प्स इन सेक्सुअल स्टिमुलेशन ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन एंड सूडोपिनस डजंट हैव अ रोल। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स का ये फंक्शन था। ऑल राइट, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देख लिया ओवरी, ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 ओवेरियोल्स एंड ईच ओवेरियोल विल प्रोड्यूस, ईच ओवेरियोल विल प्रोड्यूस 1 egg, सो एट अ टाइम 16 eggs आर प्रोड्यूस, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ओविडक्ट्स एंड कॉमन ओविडक्ट इन टू द जेनाइटल पाउच। तो अब ये रिलीज हो गए हैं, दे आर पैक्ड इन टू द एग केस एंड नाउ दे आर अच्छा एक और चीज कि जब ये एग्स यहाँ पे आते हैं, देखो एग केस में रिलीज करने से पहले, वी हैव मिस्ड वन पॉइंट, यहाँ पे एग्स जो रिलीज हुए इन द जेनाइटल पाउच, तो यहाँ पे एग्स आने के बाद स्पर्मा थीका विल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमने किया ही नहीं, देखो स्पर्मा थीका कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल शेड द स्टोर्ड स्पर्म्स ऑन देम। तो जब एग्स आ गए जेनाइटल पाउच में, ऊपर से स्पर्मा थीका विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल रिलीज दीज स्पर्म्स इन द ऑन द एग्स, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी फीमेल की बॉडी के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आज सुबह ही हमने एक क्लास ली थी आर्थ्रोपोडा की, ठीक है, ऑन द ऐप वी हैड दिस नीट प्रेप की एड ऐप पे वी हैड फ्री क्लास ऑन फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, और हमने तब भी पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जनरली जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी इन दिस केस, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, जेनाइटल पाउच के अंदर। जेनाइटल पाउच के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो गई, ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीज फर्टिलाइज्ड एग्स, इस ऊथीका के अंदर कैसे एग्स हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स आर फाउंड एंड दे आर पैक्ड इन द एग केस एंड नाउ दीज एग केसेस आर रिलीज इन द डार्क ड्राई एंड सेफ प्लेसेस, क्लियर। ऑल राइट, अब ये जो एग केसेस हैं, अब इन एग केसेस का क्या होगा, लेट सी द डेवलपमेंटल पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ कॉकरोच। अब देखो ये जो ऊ थीका है, सो दिस इज ऊ थीका, ठीक है, नाउ दिस ऊ थीका विल हैच इन अराउंड 1 week, एक हफ्ते के अंदर ये हैच होगा, और हैच होके इसके अंदर से निकलेंगे अब लार्वे, लार्वे रिलीज्ड। नाउ द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज नोन एज निम्फ, ठीक है। अब इसके लार्वा को हम निम्फ क्यों कहते हैं, वाई डोंट वी कॉल इट कैटरपिलर और वाई डोंट वी कॉल इट नायड, ठीक है। तो उसके लिए हमें मेटामॉर्फोसिस समझना होगा कि इंसेक्ट्स के अंदर कौन कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता है एंड कैसे मेटामॉर्फोसिस होता है, चलिए वो हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे बात करते हैं, ऊथीका हैच हो गया एक हफ्ते के अंदर और लार्वे रिलीज हो गए, ठीक है, एंड लार्वा आर नोन एज निम्फ्स। नाउ दीज निम्फ्स आर गोइंग टू अंडरगो
10 से 13 मोल्टिंग्स और एक्डाइसिस, ठीक है, एंड ड्यूरिंग दीज मोल्टिंग्स इट विल ग्रो इन साइज, इट विल अंडरगो मेटामॉर्फिसिस। सिर्फ साइज ही ग्रो नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, मेटामॉर्फिसिस होगा इसका, एंड आफ्टर 10 से 13 मोल्टिंग्स इट विल चेंज इनटू एडल्ट। चलिए, अब ये जो एडल्ट बना है, दिस एडल्ट इज नोन एज इमैगो। अब ये जो 10 से 13 मोल्टिंग्स हैं, इन मोल्टिंग्स में से जो लास्ट मोल्टिंग होती है, लास्ट मोल्ट विल हैव विंग पैड्स। तो लास्ट मोल्टिंग में डेवलप होते हैं विंग पैड्स, और ये विंग पैड्स विल लेटर ऑन डेवलप इन टू द, यस, एंड द लास्ट जो विंग पैड्स हैं, दीज विंग पैड्स विल लेटर ऑन चेंज इन टू द विंग्स। क्लियर? अब देखो, ये डेवलपमेंट हो गई। नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, नाउ सी दिस इज द लार्वा। वाइटिश कलर के निम्फ्स होते हैं इसके, सो दीज आर द निम्फ्स। और ये देखो, ये अपनी पुरानी बॉडी में से निकल रहा है, तो जो भी इसके बाहर, बॉडी के बाहर काइटनस डेवलपमेंट होती है, वो काइटिन का जो कवर है उसमें से निकल आता है, और इट ग्रोज इन साइज। और कोई भी लार्वा जो होता है, इट इज ऑलवेज अ वोरेशियस फीडर, तो ये बहुत खाएगा, इट विल ग्रो इन साइज एंड इट विल कम आउट, एंड उसके बाद फिर से इसके आसपास बहुत सारी काइटनस डेवलपमेंट होगी, इट विल गो गो इन अनदर निम्फल स्टेज। क्लियर? ऑल राइट प्रशांत, आई विल हाइड माई सेल्फ। ओजस्वती, ऑल राइट फाइन। सो ये जो निम्फ्स हैं, ये देखिए, ये एक्डाइसिस हो रहा है। एक्डाइसिस मीन्स रिमूवल ऑफ द काइटनस एक्सोस्केलेटन। ये काइटनस एक्सोस्केलेटन है जिसका रिमूवल होगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मोल्टिंग और एक्डाइसिस। नाउ हाउ मेनी मोल्टिंग्स अकर? 13 मोल्टिंग्स अकर। यू कैन सी 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 इवन इन दिस केस मोल्टिंग इज अकरिंग, और ये जो कैटरपिलर, सॉरी, ये जो इसका लार्वा है, निम्फ है, वो बाहर आ रहा है। सो इट इज वाइटिश। अभी विंग्स नहीं है इसके, ठीक है, विंग्स डेवलप होंगे लास्ट इसकी स्टेज में, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो, ये जितनी भी मोल्टिंग्स हुई हैं, 13 मोल्टिंग्स, जितनी इंटरमीडिएट मोल्टिंग स्टेजेस थी, उन सब के लिए टर्म यूज होती है इंस्टार। इंस्टार इज द इंटरमीडिएट मोल्टिंग स्टेजेस, इंटरमीडिएट लार्वल स्टेजेस या मोल्टिंग स्टेजेस। और किसी भी दो लार्वल स्टेजेस के बीच में जो टाइम गैप होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेडियम। टाइम्स गैप बिटवीन एनी टू लार्व टू मोल्ट्स या मोल्टिंग्स। इज दिस क्लियर? अब ये 10 से 13 मोल्टिंग्स होने में टाइम लग जाता है 1 साल, और 1 साल के बाद लार्वा जो है वो चेंज होता है एडल्ट में, और एडल्ट का लाइफ स्पैन रहेगा 3 to 4 years अगर हम उसको मारना दे दो, ठीक है। सो दिस इज 3 to 4 years। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉकरोच। बहुत डिटेल में डिस्कशन की है हमने कॉकरोच की, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, एंड आई होप कि तुम्हें कॉकरोच अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नाउ गो थ्रू एनी बुक, ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन। वी विल ऑल्सो ब्रिंग अ मेगा मिंटी क्विज ऑन कॉकरोच वेरी सून, एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड। एंड इन केस यू डोंट वॉन्ट टू मिस ऑन दैट मेगा मिंटी क्विज, हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड अबाउट द क्लास। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज क्लास। एनी डाउट्स? लेट्स टेक योर डाउट्स नाउ। यस अपूर्वा, इट डज हैव हॉर्मोन्स, ठीक है। हम इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो फिर किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और मेगामेंटिक क्विज में मैं क्वेश्चंस के थ्रू, इंटरैक्टिव क्विज के थ्रू, इसकी ग्लैंड्स और उसके हॉर्मोन्स डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, यू नो द ड्रिल, ठीक है। थैंक यू जस्मिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर निकिता। प्लीज़ गो थ्रू योर एनसीईआरटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर लिया हमने एनसीईआरटी से ज़्यादा। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको, आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन, गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एंड गेट रेडी फॉर द मेगा मिंटी क्विज ऑन कॉकरोच। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच।